मां बनना एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। इस एहसास को उस महिला के साथ साथ उसका पूरा परिवार महसूस करता है और जीता है। लेकिन कुछ कपल ऐसे होते हैं जिनको कई बार कंसीव करने में कुछ अलग अलग तरीके की समस्याएं आती हैं, लेकिन आजकल हर तरह के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। और इसी के चलते आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर सोनू बल्हारा। डॉक्टर सोनू HOD हैं रिप्रोडक्टिव मेडिसिंस की आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में। डॉक्टर सोनू, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच विशाल, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर सोनू, जो जैसे ही एक माँ बनने का होता है तो घर पूरा एक माहौल खुशी से होता है घर में भी, और वो एक एक्साइटमेंट होती है। और उसके बाद जो सबसे पहला जिससे बात की जाती है परिवार के बाद, वो होता है डॉक्टर। और ये एक बड़ी बहुत लंबी जर्नी होती है जिसमें समय काफी लगता है और बहुत सारे चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। और आप डे इन डे आउट ऐसे पता नहीं कितने पेशेंट्स को गाइड करते हैं, तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि ये जो सफर होता है जब आपके पास कोई आता है तो कैसे आप लोग उसको आगे बताते हैं, कैसे गाइड करते हैं। विशाल, जैसे आपने कहा कि माँ बनना एक अपने आप में ही बहुत बड़ा एहसास और बहुत एक जो हर लेडी चाहती है कि मैं माँ बनूं, तो मैं एक्चुअली आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में हूँ। जो जिन लेडीज को बच्चे नहीं हो पाते, जैसे कोई भी कपल एक साल तक साथ में रह रहा है और कोई कॉन्ट्रासेप्शन या वो यूज नहीं कर रहे, तो वो अगर माँ नहीं बन सकती तो वो वाले पेशेंट्स फिर हमारे पास आते हैं। तो मैं कहूंगी कि हमारे पास वो कपल एक बहुत उम्मीद लेके आते हैं और वो बेचारे दुखी भी बहुत होते हैं। और कई बारी तो ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि जो बहुत साल से जिन्होंने बहुत डॉक्टर्स का और कई जगह इलाज करा लेते हैं, सिर्फ डॉक्टर्स से नहीं, सब जैसे हमारे यहाँ इंडिया में बहुत के वो झाड़ा लगवा लिया इधर होके, तो वो वाले पेशेंट्स आते हैं हमारे पास और बहुत ही दुखी। और जो भी लेडी माँ बनना चाहती है तो फर्स्ट जो है वो हमारे पास आके फिर वो अपना दुख जो है सारा प्रकट करती हैं। तो अब मैं आपकी जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि वो जैसे अगर जब माँ बन जाती हैं तब से और जो उनका 9 महीने का सफर है, 9 महीने का क्या, ये तो आप लगा लो कि पूरी उम्र ही वो बच्चे के साथ जो खुशी मिलती है उनको, तो वो एक बहुत ही अच्छा एहसास। और मैं कहूंगी एक नॉर्मल ही चीज है कि बस वो आजकल वैसे तो पूरी फैमिली ही काफी उसका लेडी का ध्यान रखते हैं जो भी प्रेग्नेंट हो गई है और माँ बनने वाली, खाने पीने से लेके जो भी काम करना है, या साइकोलॉजिकली भी सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं आजकल लेडीज की। अच्छा डॉक्टर सोनू, जैसे अभी आपने बताया बहुत जब कहीं से कुछ नहीं मिलता उनको सॉल्यूशन, तो फिर फाइनली वो आप लोगों के पास आते हैं। इस तरह के जो पेशेंट्स आते हैं, जो आपके पास लोग आते हैं, क्या क्या तरह के ट्रीटमेंट हैं जो अवेलेबल हैं जो आप उनको बताते हैं, या हर केस टू केस अलग चलते हैं? जो भी कोई भी पेशेंट किसी भी चीज का होता है तो हर पेशेंट अपने आप में एक अलग तरह का पेशेंट होता है। कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है कि जो आप ये कहो कि ठीक है एक ये वाली ट्रीटमेंट है तो वो हर पेशेंट के लिए होगी। सो एवरी पेशेंट इज डिफरेंट और उसको डिफरेंट तरीके से हैंडल किया जाता है। सो सबसे पहले तो जब आते हैं पेशेंट तो पूरे टेस्ट होते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा मेल इनफर्टिलिटी का भी है कि आदमियों में भी बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है कि जिनके स्पर्म्स बिल्कुल निल हैं या कम हैं, तो या आजकल इतना बिजी हैं सारे कपल्स अपने जॉब में कि वो साथ में रहना, मतलब इंटरकोर्स भी बहुत इनफ्रीक्वेंट होता है, तो इसीलिए भी नहीं बच्चे हो पा रहे हैं, जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। सो हर कपल के साथ शुरू में तो दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं और पहले तो ये पता करना होता है, डायग्नोसिस बनाना है कि उनको एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे है। सो काफी सारे उनके सेशंस जैसे होते हैं और फिर जो मल्टीपल ब्लड टेस्ट, स्पर्म एनालिसिस, ट्यूब टेस्ट,
ये सब करने के बाद फिर हम किसी डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं और फिर कपल का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो कई कपल्स में तो एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, उनको सिर्फ ये बोलो कि आप थोड़े दिन ये वाला फर्टाइल पीरियड है, आप इस टाइम पे दोनों रेगुलरली इंटरकोर्स करना चाहिए, तो काफी सारे कपल्स तो उसी में प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अच्छा, जैसे अभी आप बता रहे थे कि टाइम्स और ये सब चीजें, क्या अगर मैं बोलूं कि ये प्रॉब्लम कई बार लाइफस्टाइल या स्ट्रेस भी इसमें एक रीजन है? एग्जैक्टली, लाइफ स्टाइल तो आजकल जो मेट्रोज में रह रहे हैं कपल्स, उनका तो लाइफ स्टाइल बहुत ही खराब है। जैसे बहुत आजकल ट्रेंड चल गया है कि लेट नाइट पार्टीज या नाइट ड्यूटीज कितनी होती हैं, और गर्ल्स में भी बॉयज में भी स्मोकिंग का बहुत ज्यादा। तो स्मोकिंग और ड्रग्स का तो बहुत बुरा इफेक्ट होता है जो हमारे एग्स होते हैं और स्पर्म्स होते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है बेसिक, उस पे बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट होता है इन सब चीजों का। सिर्फ स्मोकिंग और ड्रग्स ही नहीं, बल्कि जो हम खाना भी खा रहे हैं, जैसे बहुत ज्यादा ये फास्ट फूड और जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इनसे भी इतना मोटापे का इंसिडेंस बढ़ गया है। तो गर्ल्स में तो उसकी वजह से भी जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज है वो और एग्रेवेट हो जाती है। ये और फिर स्ट्रेस जो है उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं कपल्स में। ये सारी चीजों का बहुत नेगेटिव इफेक्ट है जो हमारे लाइफस्टाइल का है। तो इससे भी इसको भी चेंज करने से 3 to 6 months में भी कितने पेशेंट्स कंसीव कर जाते हैं। अच्छा डॉक्टर सोनू, जैसे अभी आपने बताया कि काफी लोग उस अपना लाइफस्टाइल चेंज करके और कई बार आज जैसा आप उनको एडवाइस करते हैं उसके बाद वो उनके कंसीव कर जाते हैं। अब मान लीजिए कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो नहीं कर पाते होंगे उसके बाद, तो फिर क्या अलग तरीके कुछ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिनके आप लोग कुछ एडवाइस करते हैं? जैसे हमने टेस्ट में अगर निकला कि अगर मान लो कि मेल में कोई प्रॉब्लम है, तो मेल में अगर स्पर्म्स कम हैं तो हम IUI कर सकते हैं। IUI मींस कि जो मेल के स्पर्म्स हैं, जब वो लेडी का अंडा बन रहा है उस टाइम पे हम उनको लैब में लेके 1 घंटा प्रिपेयर करते हैं, उसमें से बेस्ट स्पर्म्स जो है वो छाट के और फिर वो हम उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। वो IUI ट्रीटमेंट होता है, वो एक बेसिक है। और अगर कोई ये होता है कि बहुत ही कम है स्पर्म्स या है नहीं, तो अगर बहुत कम है स्पर्म्स, जैसे 10 मिलियन 5 मिलियन से कम, तो उन पेशेंट्स में हम IVF सजेस्ट करते हैं उनको, जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है। और अगर जैसे कईयों में 0 स्पर्म काउंट आता है, तो उसमें हम अंदर से जैसे टेस्टिकुलर बायोप्सी करके या टीसा करके और उसमें से स्पर्म्स निकाल के फिर IVF कर सकते हैं। अब IVF अगर लेडी में ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है तो भी उसको IVF से उनका बहुत अच्छा सक्सेस रेट आता है। या फिर कई लेडीज हैं जिनका थोड़ी ज्यादा एज की हैं या कम एज में भी जिनका ओवेरियन फेलियर हो गया है, तो उनका, जैसे आपने सुना होगा कि डोनर एग मींस और किसी लेडी से एग लेके और उनके स्पर्म हस्बैंड के स्पर्म से बेबी बना के और फिर उनके यूट्रस में डाल देते हैं। या फिर कई इंडिकेशंस वो भी होती हैं जिसमें डोनर स्पर्म भी यूज करते हैं, जैसे अगर अंदर से बायोप्सी से भी नहीं निकला तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है कपल के पास, तो वो डोनर स्पर्म से IUI या IVF वो भी हम कर सकते हैं। अच्छा, मतलब जैसे आपने बताया डॉक्टर सोनू ये सब चीजें हैं, और अगर मैं ये पूछूं कि सक्सेस रेट इस पूरे प्रोसेस में करना, कंसीव करना और फिर बेबी डिलीवर होना कितना रहता है? सक्सेस रेट विशाल, ये सब डिपेंड करता है कि कपल की किस वजह से इनफर्टिलिटी है, उनकी एज क्या है, और पहले वो उनका बच्चा हुआ है कभी या कोई अबॉर्शन हुए। जैसे अगर पहले उसने कंसीव करा हो तो अच्छा सक्सेस रेट होता है, ट्यूबल फैक्टर में भी अच्छा सक्सेस रेट है। पर किसी की अगर बच्चेदानी ही खराब है और अगर किसी के एग्स की क्वालिटी खराब है, तो डोनर एग या डोनर स्पर्म में भी अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये पूरा जो है सक्सेस रेट, ये मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और ये भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर आपका ट्रीटमेंट हो रहा है, बिकॉज सब जगह ट्रीटमेंट की क्वालिटी जो है वो भी अच्छी नहीं होती। अगर आप किस लैब में, कहाँ पर, किस हॉस्पिटल में करा रहे हैं,
जो डॉक्टर एम्ब्रियोलॉजिस्ट है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। एम्ब्रियोलॉजिस्ट वो हैं जिनको हम निकाल के एग और स्पर्म दे देते हैं, उनको फिर बच्चा बनाना है और 3-4 दिन उसका बेबी का वो करना है, और जो फ्रीजिंग की कौन कर रहा है वो कितना अच्छा एक्सपीरियंस डॉक्टर है। सो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच कम इन टू प्ले। एक पूरा एक टीम वर्क दिस इज है जो अ है। या एग्जैक्टली ये टीम वर्क अच्छा हो और फैसिलिटीज अच्छी हो, आपके क्वालिटी ऑफ इंजेक्शंस जो हैं वो अच्छे लग रहे हों, तो डेफिनेटली सक्सेस रेट वुड बी बेटर। अच्छा, आखिर में आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा। सवाल नहीं है, मतलब मैं जस्ट समझना चाह रहा हूं, मैं जब ऐसा कपल आता है आपके पास और फाइनली वो कंसीव कर लेता है किसी भी तरीके से, उस समय जो आप फील करती हैं उनको देख के, क्या फील करता है, क्या लगता है चल, उनको? ये एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग है। हम खुद भी जैसे किसी का IVF करा या वैसे ही कोई कंसीव हो गया जिस दिन उनका प्रेगनेंसी टेस्ट होना है, तो कितनी बारी अगर पेशेंट का जैसे 10-11 बजे तक फोन नहीं आया या पेशेंट नहीं आया, तो मेरा कितनी बारी मैं खुद भी फोन करके पूछती हूँ कि आज आपका रिजल्ट का क्या हुआ, बिकॉज जितनी वेट अगर कपल कर रहा है उतनी ही वेट डॉक्टर भी कर रहा होता है कि मेरा जो पेशेंट है उसने कंसीव करा या नहीं करा। और आप मानोगे नहीं कि इतनी अच्छी फीलिंग होती है उस दिन, और किसी का अगर नेगेटिव आता है तो वो पूरा दिन मेरा भी खराब निकलता है कि नहीं मेरे पेशेंट का क्यों नहीं हुआ उसको कंसीव, जैसे IVF का जिस दिन रिजल्ट हो। सो डेफिनेटली ये डॉक्टर की भी मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है सबके, कंसीव कर लिया पेशेंट ने तो वो दिन आपका बहुत अच्छा है, नहीं तो अगर नहीं करा तो वो उस दिन आप ठीक फील नहीं करते हो। हाँ, और एक और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें फाइनेंसिस का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो मोस्टली हर हॉस्पिटल में या कहीं भी आप करा रहे हो छोटी जगह पे, तो फाइनेंसिस जो है 1.5 से 2 से 2.5 लाख तक जो है IVF की ट्रीटमेंट होती है, बट आपको क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और मोस्टली इसमें एथिक्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले रोल करता प्ले है। करते हैं कि आपको कपल को बताना है कि हमने डोनर एग या डोनर स्पर्म या वो यूज करा है, और सारे इसमें जो सिग्नेचर्स हैं कंसेंट फॉर्म्स हैं। तो आई ऑलवेज बिलीव इन गिविंग अ जेन्युइन एंड एथिकल एडवाइस, और जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं, करना। बहुत जरूरी है वो। आप मेरे ख्याल से अभी कुछ रिसेंटली कुछ चेंजेस भी हैं इसको सरोगेसी लेके, के सरोगेसी ऊपर बिल भी वो वगैरह। आ रहा है अभी, सरोगेसी के ऊपर जो बिल पास हुआ है वो अभी राज्यसभा में नहीं हुआ है, बट मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट सेशन में होके और उसके ऊपर फिर वो नया लॉ तब आएगा। सो लिसनर्स, आपने सुनी डॉक्टर सोनू से बात, और जैसा मैं कह रहा हूं, माँ बनना एक बहुत ही अलग एहसास है, और वो जो कपल होता है वो उसको जीता है, रोज जीता है उसको। और जैसा कि डॉक्टर सोनू ने बताया, ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, वो आप चिंता ना करें, आप जहां भी जाएं सब कुछ अच्छा एक बार देखें, समझें, डॉक्टर्स को देखें, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो डॉक्टर सोनू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आने के अपने लिए, डॉक्टर पे बताएं। ट्रस्ट करके अपना ट्रीटमेंट कराएं। ये भी बहुत जरूरी बात है, ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। आप जो करना है पहले अच्छी तरह सोचें, समझें, पर एक बार करने के बाद फिर ट्रस्ट करके आगे बढ़ें। डॉक्टर सोनू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, टाइम निकालने के लिए। नहीं, थैंक यू सो मच विशाल। आई होप पेशेंट्स को थोड़ा बहुत कुछ इससे नॉलेज गेन हो। नहीं, बिल्कुल मैम, इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज गुड, हमेशा जानी जरूरी है। सो लिसनर्स, अब आपसे विदा लेते हैं, सुनते रहें रेडियो द्वारका, एक कदम कल की ओर।